ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है रूहानी यात्रा यादगी यात्रा पार्ट 5 अव्यक्तवाणी 3 मार्च 88 सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ। इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 88 भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि। किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का रूहानी बाप का परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की हैं। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त हैं। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं लोरी देकर के। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 88 याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 88 बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है।
याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है और याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रूह रुहान करने में भी सब अच्छे हैं, कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं, फिर बाप को उलहना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते, फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 1989। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। अव्यक्तवाणी 29 दिसंबर 1989। याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पार्ट बजाने अपने राज्य में आना है, यही ज्ञान का सार है ना? तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो, बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 1991। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है। जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 1991। जिससे प्यार होता है वो जो चाहता है वही किया जाता है। बाप से तो प्यार है ना, तो करो। जब यह याद रहेगा कि बाप मेरे से यही चाहता है तो स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएंगे
और माया जीत बन जाएंगे। माया आती तब है जब कमजोर बनते हो, इसलिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की विधि है चलते फिरते याद की शक्ति और सेवा की शक्ति देने में बिजी रहो। बिजी रहना अर्थात माया जीत रहना। रोज अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। मन बिजी होगा तो मन जीत माया जीत हो ही जाएंगे। अव्यक्त वाणी 25 मार्च 1990। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है और मन एक तरफ बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है तो इसको साधना नहीं कहते। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1991। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निबन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 1992। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना, और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है।
साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है, साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? अव्यक्तवाणी 24 सितंबर 1992। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है व देना है, क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो? एक एक कदम सामने लाओ, उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 1992। याद से सब कार्य स्वतः सफल होते हैं। कहने व मांगने की आवश्यकता नहीं। सदा और सहज याद कौन आता है? बाबा। बाबा भी क्यों याद आता है? प्यारा है तो जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। उससे दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, तो सबसे प्यारा कौन? बाप। तो बाप को भुलाना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है फिर स्थिति कैसी होती है? फिर याद करना पड़ता है या याद स्वतः आती है? क्या होता है? परिस्थिति का अर्थ ही है पर स्थिति। स्व नहीं है पर है। दूसरे द्वारा आने वाली स्थिति उसको कहते हैं परिस्थिति। तो परिस्थिति शक्तिशाली होती है या स्वस्थिति शक्तिशाली होती है? लेकिन उस समय क्या होता है? उस समय पर परिस्थिति पावरफुल हो जाती है और याद करना पड़ता है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। आत्मा को कोई ना कोई अपने प्रति स्वार्थ रहता है, लेकिन परम आत्मा निस्वार्थ है। क्यों? क्योंकि परम आत्मा दाता है, आत्मा लेकर देने वाली है। आत्मा स्वयं दाता नहीं है लेकिन लेकर दे सकती है, और परम आत्मा स्वयं दाता है।
अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 1992। कोई भी कार्य करो, लेकिन यह याद रखो कि मेरा बाबा और बाबा का यह कार्य कर रही हूँ। ट्रस्टी होकर कार्य करो तो ट्रस्टी को कभी कोई बोझ नहीं होता है, ना बोझ होगा ना भूलेंगे। फिर भी भक्ति में याद तो किया है ना, याद का रिटर्न है मौज में रहना। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 1992। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वह हुआ सेवा प्रति, लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के और हैं ही कौन, लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। अव्यक्त वाणी 22 दिसंबर 1995। बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं, लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बढ़ने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। अव्यक्त वाणी 16 फरवरी 1996। झंडा सदा ऊंचा रखते हैं, क्यों?
ऊंचे का अर्थ है कि सबकी नजर उस तरफ जाए, तो जब प्रत्यक्षता का झंडा लहरेगा तो सबकी नजर उस एक बाप की तरफ होगी। आपके दिलों में तो बाप का झंडा याद का है ही, लेकिन अभी दूसरों के दिलों में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। ये तो कपड़े का झंडा लहराया, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा सभी को मिलकर लहराना है और लहरना ही है। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 1996। निमित्त बनने वालों का विशेष बैकबोन बाप है। चाहे बोल इन्हों के हैं, लेकिन बैकबोन बाप है। कभी भी इन्हों के मुख से मैं शब्द नहीं निकलेगा, बाबा बाबा निकलेगा। तो ये याद का प्रूफ है, मैंपन बाबा में समा गया। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 1998। जैसे पहले शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान्स बनाए, तो उससे इतनी वृद्धि हुई है ना। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, फिर हुई मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, अभी है शक्तियों द्वारा। जो कहते हैं कि शक्तियों ने बाण चलाए, तो यह बाण जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज पहुंच जाए, कोई बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वह काम पूरा नहीं करता तो बार बार स्वप्न उसको जागृत करता रहता। कई रिद्धि सिद्धि वाले भी कुछ विधि से करते हैं, लेकिन योग की विधि द्वारा यह आवाज फैले। ऐसे सेवा के प्लान बनाओ। जैसे अभी यह उत्सवों का वर्ष मनाया ना, अभी वह तो हो गया। अभी फिर ऐसी कोई लहर फैलाओ जो विहंग मार्ग की सेवा हो। मुख की विहंग मार्ग की सेवाएं तो बहुत की, उसकी रिजल्ट तो है ही। अभी फिर कोई नवीनता समझा, देखेंगे कौन कौन इसमें नंबर लेता है। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 1999। जैसे यह झंडा लहराया और पुष्पों की वर्षा हुई, ऐसे ही सदा अपने दिल में बाप की याद का यह झंडा लहराता रहे। नीचे ऊपर नहीं हो, कभी भी याद का झंडा नीचे नहीं हो, ऊंचा हो। तो दुनिया वाले अहो भागे, अहो बाप यह पुष्पों की वर्षा दुआओं के साथ आप सबके ऊपर करेंगे। तो एक तरफ याद का झंडा लहराओ, दूसरे तरफ जो आज बाप का संदेश मिला, इकोनॉमी का अवतार बनो, तो ऐसे दृढ़ संकल्प का झंडा अपने दिल में लहराना और साथ में सेवा के प्रति सदा चारों ओर सर्व आत्माओं के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना। यह है झंडे का महत्व। एक दिन आएगा, आया कि आया, जब सब लोग बाप की महिमा करते,
प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे आएंगे, सहारा लेंगे और आप सहारे दाता बाप के बच्चे, मास्टर सहारे दाता होंगे। आया कि आया। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 99। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरे तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार के अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी, एक तरफ भस्म करेगी दूसरी तरफ शीतल भी करेगी, बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है सिवाय बाबा के और कोई नहीं, यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 99। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। अव्यक्त संदेश 6 जुलाई 99। अब तो बच्चों को मर्सीफुल अर्थात रहमदिल स्वरूप का पार्ट बचाना है, क्योंकि समय अनुसार आत्माओं को बाप समान शांति देवा बन शांति देनी है। अब वाइब्रेशन की सेवा आवश्यक है, इसलिए ही बाप दादा ने 4 घंटे पावरफुल याद का डायरेक्शन दिया है। जब निमित्त टीचर्स अपने में बल भरेंगी तब ही औरों में भी लहर फैलेगी। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2000। जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूह रूहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन, उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं लेकिन योगी अर्थात
योगी का जीवन में प्रभाव। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 2002। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए, तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है। नॉलेजफुल बनना अलग चीज है, नॉलेज है यह रॉन्ग है यह राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जितना जितना याद का बल शक्तिशाली होगा, उतना ऐसे ही महसूस करेंगे या कर रहे हैं, जैसे बाप दादा हमसे ही बात कर रहे हैं। अव्यक्त संदेश 5 मई 2001। बाप कहते, बच्चे सदा अपने बच्चे के संबंध से अधिकारी बन पूरा अधिकार लेते रहो। बस बाप को अपना अविनाशी कंपेनियन बनाओ और हर हाल में अपना सहारा और सहयोग देने वाली कंपनी है। इस अनुभव से सहज आगे बढ़ते चलो। बाप के याद की गोदी व छत्र छाया में सदा सेफ रहो। कोई भी समस्या परिस्थिति आवे, सिर्फ दिल से याद करो, ओ मेरे मीठे बाबा, तो अनुभव करेंगे बाप दादा मेरे साथी बन साथ हैं और सफलता सामने अनुभव होगी, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों की सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त संदेश 12 सितंबर 2001। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं, एवर रेडी रहो, लेकिन साथ में यह प्रकृति भी समय समीप का इशारा देने लिए घंटे बजाती रहती है। यह थोड़ी बड़ी घंटी बजाई है कि बच्चे अलबेलेपन से अलर्ट हो जाएं। बाकी तो प्रकृति द्वारा विनाश का साधन है साइंस, आप स्थापना वालों का साधन है साइलेंस। इसलिए जैसे वह फोर्स से कर रहे हैं, ऐसे आप भी
और योगयुक्त कर्मयोगी स्थिति का जोर शोर से पावरफुल याद का स्वयं द्वारा वायुमंडल बनाओ। डरो नहीं। अव्यक्त संदेश 17 सितंबर 2001। मेजॉरिटी बच्चों के दिल में नैनों में बस बाबा बाबा ही समाया हुआ है। उसी एक याद के बल से और सेवा के उमंग उत्साह के क्वच से आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा भी विशेष बच्चों को याद का रिटर्न दिल का सहयोग सदा देते रहते हैं। इसलिए हर बच्चे को नाम सहित बाप दादा की याद देना। अव्यक्त संदेश 19 मार्च 2002। वर्तमान समय के वायुमंडल प्रमाण याद की तपस्या जरूरी लगती है, इसलिए वह प्रोग्राम्स ज्यादा रखें। बाबा बोले, बाप दादा तो अब हर मुरली में बच्चों को भिन्न भिन्न इशारे देते रहते हैं कि समय अनुसार अब आवश्यकता है सेवा करते भी मनसा शक्ति की सेवा भी साथ साथ हो, कर्म और योग बैठते भी और चलते फिरते भी साथ हो। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि अब एक ही समय मनसा शक्ति द्वारा अनुभूति कराने का अनुभव और वाणी की शक्ति द्वारा संदेश देने का कर्तव्य दोनों का बैलेंस हो। अभी तक इसमें कमी है। एक प्रोग्राम के बाद एक दिन विशेष याद का रखना जरूरी है, जिसमें स्थूल कर्म करते भी याद का चार्ट अच्छा रखने का, कर्म और योग के पावरफुल अभ्यास का अटेंशन जरूरी है। सिर्फ सेवा में बिजी रहना है यह आवश्यकता नहीं है, लेकिन बैलेंस द्वारा आत्माओं को अनुभूति करानी है। इसके लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपना शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, निरसंकल्प स्टेज में बहुत ध्यान देना जरूरी है। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2002। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं सबके मन में इस समय कितना भी बचा है, लेकिन मेजॉरिटी के मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 2003। आप सब बच्चे जो अब जोर शोर से चारों ओर संदेश देने की सेवा कर रहे हो, यह संदेश याद आएगा कि क्या था, क्या कहा था। इसलिए संदेश देना और स्वप्रति याद की शक्ति ज्वाला रूप घंटे बढ़ा रहे हो। समय अनुसार यह सेवा और योग शक्ति का प्रभाव पड़ना ही है। आपकी साधना
साधनों से वैराग्य दिलाएगी और सबका अटेंशन एक की तरफ जाएगा। इसलिए बच्चे अब सर्व तरफ वैराग्य वृत्ति उत्पन्न कराने के लिए यह इशारे मिले हैं। अब और तीव्र योग साधना को बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 17 फरवरी 2004। आप सबके दिलों में तो बाप की याद का झंडा लहराता ही रहता है। यह झंडा तो यादगार के रूप में मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहर रहा है। हर एक की दिल सदा क्या कहती, हर श्वास क्या गाता, मेरा बाबा। और बाप दादा भी हर सेकंड क्या गाता, मेरे मीठे मीठे बच्चे। अभी वह दिन समीप लाना है जो हर एक आत्मा के दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। हर दिल कहे मेरा बाबा, जो पाना था वह पा लिया। इस गीत पर डांस करे, वह दिन भी दूर नहीं है। वहा बाबा वहा, वहा बाप के सिकी लधे बच्चे वहा। यह खूब नारा लगेगा। तो आज बाप दादा सिर्फ यह झंडा नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे के दिल में जो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है वह देख रहे हैं। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 2013। आज आवश्यकता है मन के शक्ति द्वारा परिवर्तन करने की, मन की वृत्तियों को परिवर्तन करने की। अभी चारों ओर जैसे भ्रष्टाचार की बातें चल रही हैं, अभी इस वातावरण को मन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सबके मन में परमात्म याद का उमंग उत्साह पैदा करो। ओम शांति।